गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, हियर आई एम टू टीच यू साइंस एंड द टॉपिक फॉर टुडे इन साइंस इज वाटर। वाटर मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारे शरीर का जो वेट है उसका 70% पानी होता है। वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी सिस्टम। हमारे शरीर का जो सिस्टम है उसमें पानी बहुत अहम भूमिका निभाता है। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड वेस्ट केमिकल एंड गैसेस थ्रू द बॉडी। ये किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो जो खाना हम खाते हैं उससे जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, केमिकल्स जो प्रोड्यूस होता है और जो गैसेस होता है उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारे जो पाचन सिस्टम है, प्रणाली है, उसमें क्या करता है, पानी फूड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पानी हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में। वाटर रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड वेट। पानी जो है हमारे शरीर से गंदगी को किस रूप में बाहर निकालता है, तो यूरिन और स्वेट, पसीने के रूप में। स्वेट ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू स्टे कूल। स्वेट जो होता है, पसीना जो होता है, उससे हमारा शरीर क्या होता है, कूल रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, एवरी डे आवर बॉडी लूजेस सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। हर दिन हमारा शरीर कुछ मात्रा में पानी लूज करता है, रिलीज करता है, किस रूप में, तो यूरिन और स्वेट यानी पसीना के रूप में। वी ऑल्सो लूज वाटर एज वाटर वेपर वेन वी ब्रीद आउट। जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं, तभी भी हम क्या करते हैं, सांस के द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा वाटर वेपर रिलीज करते हैं। और ये जो वाटर वेपर होता है ये भी पानी का एक रूप है। अबाउट हाफ ऑफ दिस वाटर इज रिप्लेनिश बाय द वाटर इन द फूड वी ईट। अच्छा, ये जो पानी होता है उसमें से आधा जो होता है वो हमें क्या चीज से मिलता है, तो जो भोजन हम करते हैं उससे। अच्छा, हम लोगों को पता है बहुत सारे जो फ्रूट्स होता है, फल होता है, उसमें पानी भी मौजूद होता है। द अदर हाफ इज रिप्लेनिश व्हेन वाटर व्हेन वी ड्रिंक वाटर ड्रिंक लिक्विड्स। और ये आधा जो होता है उसकी पूर्ति कहाँ से होती है, कहाँ से हमें मिलता है, तो जब हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, वी नीड टू ड्रिंक अबाउट 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक दिन में कम से कम 8 glasses पानी पीना चाहिए। इवन दो इट्स वाइटल फॉर आवर बॉडी वाटर डजंट प्रोवाइड एनी एनर्जी। पानी जो है हमें कोई ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, कोई एनर्जी नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये बहुत वाइटल, इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, अहम भूमिका निभाता है हमारे शरीर में। इफ अ पर्सन लूजेस टू मच वाटर फॉर एग्जाम्पल वाइल प्लेइंग और वर्किंग इन द हॉट सन हिज और हर बॉडी गेट्स डिहाइड्रेटेड। बता रहा है कि अगर कोई इंसान, उसके शरीर से बहुत ज्यादा पानी निकल जाए बाहर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बच्चा, कोई इंसान धूप में बाहर है, कोई बच्चा धूप में खेल रहा है, कोई इंसान धूप में काम कर रहा है, तो उसके बॉडी से जो सन है, सूरज जो है, वो पानी सोख लेता है, तो शरीर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेट मतलब पानी की कमी। दिस कॉजेज द ब्लड टू बिकम थिकर एंड इट्स मूवमेंट इन द बॉडी स्लो डाउन। इससे क्या होता है, शरीर का जो खून होता है वो थिकर हो जाता है, मोटा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिससे बॉडी का जो मूवमेंट है, फंक्शन है, वो स्लो डाउन हो जाता है, धीरे हो जाता है। दिस कॉजेज सेवियर पेन एंड क्रैम्प्स इन द मसल्स। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऐठन होने लगता है मसल्स में। ठीक है, अब बता रहा है डू यू नो व्हाट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम लोग को पता है इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। वाटर का केमिकल कॉम्बिनेशन H2O है, हम लोग को पता है। इट ऑल्सो कंटेन मिनरल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। पानी में सोडियम और पोटेशियम होता है। इट इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर का मेजर कॉम्पोनेंट है। वाटर फॉर्म्स अबाउट 75% ऑफ द वेट ऑफ एन इन्फेंट एंड 70% ऑफ द वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग। जो छोटा बच्चा होता है उसके बॉडी का 75% वेट वाटर है, और हम जो अडल्ट ह्यूमन बींग हो गए, जैसे हम लोग हो गए, तो हमारे शरीर का 70% वेट वो वाटर होता है। वाटर इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू। हमारा जो सेल्स है, कोशिका है, उत्तक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। इट इज द मीडियम ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड इंक्लूड सलाइवा डाइजेस्टिव जूस यूरिन एंड स्वेट। ये जितना बॉडी में फ्लूइड है, लिक्विड है, चाहे वो ब्लड हो गया, चाहे
खून हो गया, स्लाइवा हो गया, डाइजेस्टिव जूस हो गया, यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, सबका इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. कैसे करता है? तो हमारे शरीर से जब पसीना निकलता है तो हमारा शरीर कूल डाउन हो जाता है. तो इसी को कहा जाता है कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है. इट डिस्ट्रीब्यूट्स द हीट प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय बर्निंग कार्बोहाइड्रेट्स. ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करता है, जलाता है, जिससे हीट जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. वाटर डिजर्व्स अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड कैरीज देम टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड. कह रहा है कि वाटर जो होता है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस घुले होते हैं जो कि डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वाटर हेल्प्स द फूड टू गो डाउन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक. डाइजेस्टिव ट्रैक में पानी हेल्प करता है ताकि भोजन चले जाए. इट हेल्प्स द ज्वाइंट मूव स्मूथली. और इससे हमारा जो ज्वाइंट्स होता है वो बहुत आराम से स्मूथली काम करता है. सो स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे. टुमारो आई विल बैक टू टीच यू रेस्ट ऑफ द टॉपिक. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. दैट्स ऑल. थैंक यू.